नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण 25 और 26 मई को होगा, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जनपद में सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से शपथ ग्रहण होगा, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। उन्होंने बताया, ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण होने के बाद वह अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे तथा शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने में आसानी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर और CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, गोरखपुर में 15 अप्रैल को हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के परिणाम 2 मई को आए थे। उसके बाद शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 24 मई तक ग्राम पंचायत को संगठित करने की अधिसूचना DM स्तर से जारी हो जाएगी 24 मई तक। उसके बाद 25 और 26 मई को 2 दिन तक ग्राम पंचायत सदस्य एवं प्रधान के द्वारा वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ ग्रहण की कार्रवाई की जाएगी और 27 मई को जो नवगठित ग्राम पंचायत है उसकी पहली बैठक होगी। और इस गोरखपुर में कुल 1294 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 859 ग्राम पंचायतों का गठन हो पाया है। बाकी ग्राम पंचायतों में या तो 2/3 सदस्य नहीं होने की वजह से या प्रधान की मृत्यु की वजह से गठन नहीं हो पाया है। कुल 435 ग्राम सभा में अभी प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य शपथ नहीं ले पाएंगे। इसका मुख्य वजह है कि ग्राम पंचायत सदस्यों का 2/3 की जो पात्रता है वो पूरी नहीं हो पा रही। 429 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें 2/3 सदस्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं और 6 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें कि प्रधान की मृत्यु हो गई है चुनाव उपरांत। तो ये कुल 859 ग्राम पंचायतों की अधिसूचना 24 तारीख तक DM साहब के द्वारा जारी कर दी जाएगी और 25 और 26 मई को इनके द्वारा वर्चुअल माध्यम से एक राजपत्र अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए हर ब्लॉक में इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनके द्वारा शपथ लिया जाएगा। सभी ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत वार्ड के सदस्य एवं प्रधानों के द्वारा और 27 मई को इनके पंचायत भवन या किसी भी ऐसे स्थल सार्वजनिक स्थल पर पहली मीटिंग आयोजित की जाएगी। हाँ, जो ग्राम प्रधान है उनका जो अभी जो जीते हैं उनका 25-26 को ऑनलाइन जब वर्चुअल माध्यम से शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसके लिए अभी हम लोग पूरा जो अप्रूवल है फाइल पुट अप करके ले लेंगे और इसको वर्चुअली ही करवाएंगे।